स्थान पर रहा है। हम ये चाहते हैं कि इस वर्ष भी हम हमारे विद्यालय से दृश्य कला को करा ले। ठीक है बेटा, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। मध्य प्रदेश जो है जनजाति बहुल राज्य है, जैसा कि आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में लगभग 30% जो है आदिवासी समुदाय रहता है वनों में, और उसमें से गौंड, भील और हमारे कोरकू हैं, हमारे सहरिया हैं, बैगा हैं। ये जो बैगा हैं और गौंड हैं, इनके पास कला का अपार खजाना है, और ये जो अपार खजाना है ये आज भी छुपा हुआ है। तो हम मध्य प्रदेश के होने के नाते, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के मालवा अंचल से हैं, यहाँ पर हमारे सीहोर जिले में भील भी हैं, गौंड भी हैं, तो क्यों ना हम उनकी पारंपरिक कला को मध्य प्रदेश की पहचान बनाएं। बच्चों, मेरे पास कुछ किताबें हैं और उन किताबों में भी अध्ययन कर रहा था मैं मध्य प्रदेश की चित्रकला, मध्य प्रदेश का धातुशिल्प। मध्य प्रदेश में अगरे जनजाति पाई जाती है जो कि पूरे विश्व में एकमात्र जनजाति है जो कि जो है लोहे का पारंपरिक रूप से शुद्धिकरण करती है, और अगरिया लोग जो है जिसे मेरे सामने यहाँ रखा हुआ है कि लोहे का बना हुआ, ये कच्चे लोहे से बहुत सुंदर कलाकृतियाँ बनाते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हो गौंड चित्रकार जनरल श्याम जिन्होंने यूरोप में भी अपना नाम कमाया, विदेश में भी जनरल श्याम को लोग जानते हैं, और हमारे जो महत्वपूर्ण चित्रकार हैं हैदर राजा, जिनकी अभी मृत्यु हुई है, हैदर राजा साहब नरसिंहपुर से थे, उन्होंने भी आदिवासी लोक चित्रकला को पूरे विश्व में पहचान दी। तो क्यों ना हम लोग इस बार मध्य प्रदेश की भील जनजाति की जो लोक कला है, गौंड जनजाति की लोक कला है, उसको हम मंच दें और इसको हम कला उत्सव में मध्य प्रदेश की पहचान दें। सर, जो आदिवासी लोग जो अपनी पारंपरिक शिल्प जो बनाते थे हाथों से, मटकियाँ हैं या जो भी बर्तन बनाते थे, तो हम उन्हीं मतलब जो जिस कला से बनाते थे सर, वो तो हम उनको बनाते हुए एक आदिवासी जो स्त्री होती है वो जिस तरह तुमने कहाँ सीखा बेटा? सर, हमारे गांव में आदिवासी लोग हैं तो हम भी उनसे थोड़ा सा परिचित थे। अभिषेक, तुमने क्या ये क्या बनाया बेटा? जी सर, ये आदिवासी लोगों में जो परम्परा जो मटके बनाते हैं तो वो बनाते हुए हमने दर्शाया। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बेटे, ये गौंड कलाकार तुमने बताया है। जी सर। और शुभम, तुम क्या बेटे? सर, मैं जो मतलब जो आदिवासी लोग जो बनाते थे ना बर्तन, उनको सर ने हमने बड़ा काम दर्शाया है। तुमने कहाँ देखा था ये? सर, ये हमने इंदिरा गांधी संग्रहालय में देखा था। अच्छा, भोपाल इंदिरा गांधी संग्रहालय, तो हमने लालकुई में आके सीखा है। अच्छा, लालकुई में परंपरागत जो कलाकार हैं सर गौंड और भील, उनसे आपने सीखा। सर, मैं मध्य प्रदेश के आदिवासी लोक कलाकार लक्ष्मण भाण और जनगण श्याम की जो आपने पुस्तक दी थी कलाकारों की, हमने पेंटिंग से प्रभावित होकर उनको अपनी पेंटिंग प्रभावित होकर उनकी पेंटिंग कर रहे हैं, जिन्होंने विश्वभर में मध्य प्रदेश की लोक कला को ख्याति दी। बहुत बढ़िया, शुभम तुम भी बैठे कर रहे हो उसके साथ क्या बना रहे हैं बच्चे? सर, ये मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में आदिवासी लोगों की जो बालिकाएं होती हैं वो दीवारों पर संध्या फूली लगाती हैं। इसमें सर हम मुख्य रूप से गोबर का उपयोग करते हैं, दीवार को गोबर से लेपन करते हैं, उसके पश्चात फिर इस पर हम चूने से, चिलकन से, गेहूँ से, छड़िया से हम इसकी सुंदरता को और भी निखार देते हैं। सर, हमने संध्या फूली बनाई है। सर, जो आप देख रहे हैं इसमें गोबर गोपी होमी की भी बनाया जाता है, और सर जो आप देख रहे हैं पवित्र साथ है, और सर हम यहाँ पे जो द्वारपाल खड़े किए हैं, और जो आप सर देख रहे हैं जिनके जानवर होते हैं सर, उनके जिसमें हाथी घोड़ा एवं जानवर होते हैं सर, जो आगे देख रहे हैं दीपक है सर, यही क्या बनाए सर, हमने लालू दीपक बनाया है सर, इसे संध्या फूली के आठवें दिन बनाया जाता है सर, हमने इसको गोबर से योजना बाकी करता है, और सर ये पवित्र साथे बनाए हैं। ठीक है ना, इसकी अभी बाउंड्री बनानी है अपने को, और इसमें जो अपन यूज कर रहे हैं परंपरागत वाले यूज कर रहे हैं। यस सर, है ना, पत्तियों से, पेड़ों से जो कलर मिलते हैं उनका यूज करेंगे। सर, मध्य प्रदेश में जो भील जनजाति पाई जाती है सर, उसके जो एक भील जनजाति होती है तो हमारे सीहोर जिले के लालपुरी ग्राम में भगोरिया मेला लगता है। बहुत बढ़िया। सर, जो भील होते हैं वो किशोर बालक बालिका भगोरिया नृत्य करते हैं, हम उसी को देख के पेंटिंग के और समूहों के माध्यम से उसको दर्शाते हैं। छात्रों द्वारा
लोक कला में निरूपित किया जाना वास्तव में बहुत अच्छी बात है।